अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पाक रेल ट्रैक की तरफ से खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है डिटेल रिव्यू ऑफ अवाम एक्सप्रेस। पाकिस्तान रेलवे ने अवाम एक्सप्रेस ट्रेन का आगाज़ कब किया और इस ट्रेन की मुकम्मल मालूमात जानेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो पाकिस्तान रेलवे ने इस ट्रेन का आगाज़ 1925 में किया। अवाम एक्सप्रेस डेली बेसिस पे चलने वाली रेगुलर पैसेंजर ट्रेन है, जो कि 13 अप और 14 डाउन के नाम से जानी जाती है, जो यानी कि जो पेशावर से लेके कराची जाती है वो 14 डाउन और जो कराची से पेशावर वो 13 अप। अवाम एक्सप्रेस का शुमार पाकिस्तान की तारीखी ट्रेनों में होता है। इसकी मेन वजह यह है कि एक तो ये 1900 की सेंचुरी में चलाई गई थी, उसके अलावा अवाम एक्सप्रेस वो वाहिद ट्रेन है, कह सकते हैं वाहिद, यानी कि जो कि पेशावर से कराची अपना टोटल ट्रैवल करती है 620 किलोमीटर या 1721 किलोमीटर इसका टोटल डिस्टेंस है। और इनमें पेशावर से जो कराची ट्रेनें सफ़र करती हैं उनमें दो चार ट्रेन ही है, जैसे कि खैबर मेल या फिर जाफर एक्सप्रेस। अवाम एक्सप्रेस ML1 पे अपना सफ़र करती हैं, जो कि सुबह 8:15 बजे पेशावर कैंट से निकलने के बाद पेशावर नौशेरा जहांगीरा अटक टैक्सीला रावलपिंडी, फिर उसके बाद लाहौर रायविंड कोड लखपत से उकाड़ा मुल्तान खानेवाल से गुजर के रहीम यार खान सादकाबाद गोट की रोड़ी से गुजर के अपना कराची तक सफ़र कंप्लीट करती है। और नेक्स्ट डे ये जो ट्रेन पहुंचती है कराची वो है 7:10 पर।